ऐसा कुछ नहीं, हमें ना घुस दे रखी है, एक्चुअली नंबर वन है, ठीक है ना, बीटेक में पूरे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, बावन हज़ार इसकी भी आई थी फर्स्ट ईयर में। तो अब आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है? 1 करोड़ बेस कॉल से पाई थी। 1 करोड़ आपका दोस्त मिस्टर सूरज बता रहा हूँ, आज मेरे को कैमरा के सामने लाइव आके आंखें नम हो गई। 3-4 महीने में ऐसा टाइम ला देंगे हम कि हर 30 सेकंड में वीडियो आएगी अभी यूट्यूब पे, हर 30 सेकंड में। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन से कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि जेल बजाज थर्ड ईयर। तो भाई आपने हमारी वीडियो देखी है? देखी है, अरे सारी वीडियो, सारी वीडियो देखता हूँ, बिग फैन, बिग फैन। नाम बताना चैनल का? रुकियो, चैनल क्या रहा इसका नाम? ये जेल बजाज के बंदे, इनसे कुछ पूछना हो तो इनका नाम, पता, एड्रेस, कारखाना सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूछ लेना आप, ठीक है भाई, बता देना हमारे सब्सक्राइबर की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो आप। बता देना हर चीज है, छुपा छुपा रुपए का मिल गया, 3-4 कार्ड लगा दिए, फिट चले। तो भाई बहुत देर से खड़े हैं, ठीक है, बहुत देर से देख रहे हैं, मतलब खाना पीना खा लिया आप, यहाँ पे सारे यही से ऑर्डर मिलेंगे, सामने एक व्हाइट कलर की कार्ड खड़ी यहीं पे, और पूरे आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हम, अभी हमने सोचा है, अरे जा 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 जा, कौन है? तो भाइयों, इतने देर की राइडिंग के बाद 4-5 मिनट तो लगे होंगे हमें वहाँ से आने के लिए, जहाँ से हमने दिखाया था, हम जीएल बजाज में पहुँच चुके हैं, और ये पीछे आप देख सकते हो क्या कैंपस है, बाहर का स्ट्रक्चर पूरा जीएल बजाज का, पहले भी दिखाया था, ये बाहर का जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब चारों तरफ से इसके 4 गेट हैं, बस खड़ी है, जाने के लिए तैयार है, छुट्टी हो चुकी है, डांस कर करके आ रहे हैं बंदे, खाना पीना खा के, ये अपने भाई वेट कर रहे हैं कुछ यहाँ किसी स्टूडेंट का, ठीक है। देखो भाई, जीएल बजाज की बस ही जा रही है, और ऑटो भाई, ऑटो की सुविधा, मतलब वो खड़े ऑटो, 24 घंटे ऑटो रहते हैं आपको भाई, अभी ना मोमोज वाले ओरियंट के लिए चाट पकौड़े के लगे रहते हैं, फिलहाल अभी देख सकते हो आप पूरा रास्ता है ये, मतलब शारदा उस वाली लाइन में पीछे, ये अपना भाई NIT का रास्ता जा रहा है, यहीं से जाते थे NIT भाई, हाथ में क्यों गए सचिन यार, हाथ में तुम्हारे 10 लग गए भाई, ये अपना वो आ रहा है छोटा हाथी, छोटा हाथी, तो भाई हम यहीं से NIT जाया करते थे रोज अपने कॉलेज में, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता और मान लो, ठीक है, NIT का, हाँ, 1-2 किलोमीटर दूर और होगा, एक बार और व्यू दिखा रहा हूँ, अभी हम यहाँ से एंट्री लेंगे जाके, अभी फॉर्म वॉर्म से भरना पड़ता है कि अपनी नाम पता वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ कि किस काम के लिए आए हो, तो आपके लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं हम, नाम पता भर दें, ठीक है। तो चलते हैं भाई, ये पार्किंग है हमारी मोटरसाइकिल, यहाँ बुगाटी यहाँ खड़ी है पीछे, ठीक है, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी अपने, लॉक वॉक लगा के, भाई देख लो बहुत तगड़ी पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, देखो आवाज़ नहीं आ रही, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको डांस, ये देखो ये अपने रजिस्टर पार्टी हो रही है।
पार्टी चल रही थी पीछे, तो उधर हम गए नहीं, शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। ठीक है, अभी उधर से मतलब उधर कुछ बोल नहीं पाए वीडियो में, क्योंकि भाई बंदे हमारी वॉइस आपको क्लियर आती नहीं। हाँ। और बंदे भाई एंजॉय कर रहे थे। हाँ। हमने थोड़ी देर देखा और हम बहुत अच्छा लग रहा था भाई। हाँ। अलग ही वाइब सारी नहीं। हाँ। मन कर रहा था कि कितना अच्छा बना रखा बैठने के लिए, आप देख सकते हो भाई काफी है, और ठंडा एकदम आराम से चिल्लो के पढ़ो अपने यहाँ पे, पढ़ो ना तो भी सकते हो चादर बिछा के। ये भाई हमारे भाई मिल गए थे, कह रहे थे हमने आपकी वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा, आए कर दो भाई। जेल बजाज की देख सकते हो आप लोग, अभी खाली खाली है। और ये रहा मीनू, आप पढ़ लेते इसको, सारे प्राइस वगैरह लिख रहे हैं इस पर, कोल्ड ड्रिंक बिस्किट वगैरह का सब कुछ मिल जाता है, ऐसी कोई सारी चीज़ें अवेलेबल है, पेटीज वगैरह का। जीएल की कॉलेज कैंटीन, सब चीज़ के प्राइस लिखे हुए, पनीर रोल वगैरह सब चीज़ की। व्यू देख रहे हो यहाँ से, अरे भाई कोर्ट खेल लेगा भाई, आराम से खेलो यार, ये बहुत अच्छी लगती है आराम से कोर्ट वगैरह, हॉस्टल से निकलो बाहर खेलो पढ़ो मौज लो, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, मस्त। काफ़ी शोर आ रहा होगा, काफ़ी डांस वगैरह हो रहे हैं, बंदे मौज ले रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है देख के यार। मैं से जीएल बजाज की हॉस्टल वाले बंदे, यहीं पर खाना वगैरह मिलेगा आपको आराम से बैठ के, खींच के रोटी रोटी और दाल सब्जी, दाल सब्जी चूरमा मुर्गा कटला जो भी खाना है। मुर्गा कटला सॉरी गाइस, आपको चिकन बर्गर नहीं मिलेगा शायद, आई थिंक मिलता है हॉस्टल में चिकन बर्गर मिलता है, सब चीज मिलती है, देख लो भाई वहाँ से सर्व करने को मिलेगा आपको, और सब क्या आपको खुद लेना पड़ेगा, देख लो फिलहाल कोई नहीं है बंदा, हम लोग ही हैं दोनों भाई। जो डांस चल रहा है ना गाइस, डांस का पानी पानी और सानी सानी चल रहा है, पानी पानी और कीचड़ कीचड़ पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हम तो परेशान हो गए, मैंने कि गाना बंद है भाई, उनका भी लास्ट ईयर होता भाई, तो ये हमें नहीं मिली अब मोमेंट हमें देखने को। हाँ भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं बंदे, लिटरली बहुत तगड़ा डांस कर रहे हैं, और देख के हमें भी अपनी याद आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सोसाइटी में आ गया किसी पर उसमें कॉलोनी में। ये हॉस्टल है ना क्या है पीछे, ये वाला हॉस्टल है, बड़े बड़े टंग रहे हैं भाई बंदों के। ये भाई रोटी बननी है देखो खाने के लिए, आप आओगे तो यहीं से रोटी बन के तैयार होंगी, देखो साफ सफाई पूरी मेंटेन कर रखी है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। उधर डांस चल रहा था देखो पीछे, अभी हम पीछे की तरफ आ गए ताकि तोड़ ज़्यादा ना हो। ये भाई अपने भैया जी रोटी बना रहे हैं, तंदूरी रोटी, हमने तो दावत में ही खाई है नहीं रोटी है। ये अंकल है भाई अपने जेल बजाज में ही काम करते हैं स्टाफ के, और अंकल सही हो आप वीडियो में आ रहे हो चैनल भाई। ये भाई भाई ये इसकी कह रहा था मैं, देखो ये पूरा पार्क है, ये दिखाता हूँ बैडमिंटन कोर्ट है, ये देखो ये बैडमिंटन का है किस चीज का है, फुटबॉल का ही है। ये फुटबॉल का, मैं तो यहाँ क्रिकेट भी खेल लूंगा, कुछ भी खेल लेगा, मुझे बस खाली जगह चाहिए। तो भाई अभी देखो भाई ये क्या तगड़ा लग रहा है यार भाई, गजर। ये हॉस्टल है क्या भाई, तेरी भी ले लेते यहीं से। अरे वो भाई खड़ा अपना सब्सक्राइबर, देखो देखो हाथ हिला रहा, ये देखो भाई लग रहा ना तगड़ा, बिल्कुल सोसाइटी की तरह बना रखा, जैसा ग्रेटर नोएडा में नहीं बने रहते फ्लैट 1 करोड़ रुपए का एक बनता है। हाँ ये मैं नहा के आया हूँ, प्रॉपर बाल काट के आया था, घंटा नहा के आया गाइस। ये देखो भाई ये नहीं बैच वैस नहीं, अंदर खाना वाना बनता नहीं, खाना बनता। तो भाई इस बार हमने पूरा कवर करने के लिए आए थे, पर यहाँ शोर मिल गया, मतलब यहाँ से एंट्री है मैच की, कोई ना कोई दिक्कत नहीं। ये टीचर्स की BMW ऑडी मर्सिडीज लग रही है। गाने को अवॉइड करना जो पीछे चल रहा है, पुराने नए सब तरह के गाने चल रहे हैं। ये देखो भाई वाह लड़के ला, ढंग से नाच, एक टांग पे नाच ऐसा नहीं, बस एक टांग पे एरोप्लेन में नाच भाई, दो टांग पे तो दुनिया नाचती है, तू एक टांग पे दिखा यार गाइस क्या बताऊं, नाचना नाच थोड़ा सा नाच भाई, सब्सक्राइब कर फिलहाल गाइस आप लोगों को डांस मिलेगा, सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा, वैसे उंगली हिला दे, वाह मेरे भाई वाह क्या बात है, ये खुशी मैं समझ रहा हूँ किस चीज़ की, वो बाद में बताऊंगा वीडियो में। भाई बहुत तगड़ा सरप्राइज है, आपको वीडियो में जरूर बताएंगे, सरप्राइज मिलेगा, 2-3 महीने रुक जाओ। गार्ड साहब है यही बाहर जो बाइक वगैरह खड़ी रहती है सब चीज़ यही देखते हैं, ये अपने स्टूडेंट भाई रिव्यू कह रहे थे स्कॉलरशिप का फॉर्म वॉर्म भरना है। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और को पकड़ेंगे, ये अपने टीचर्स वगैरह आज एक जगह खड़े हैं स्टेशनरी।
अब अंदर से पता पहले भी दिखाई थी गाइस आपको, हमारी एनआईटी की चार बनेंगी ऐसी, चार बनेंगी। तो भाई वो सारा काम यहाँ होता है, देखो फोटोकॉपी वगैरह प्रिंट आउट भाई दिख भी नहीं रही अंदर से, हमारी भी तो अंदर अंदर घुसवा देते अंदर। ये पार्किंग है, पार्किंग काफी अच्छी है भाई, मतलब पार्किंग ऐसी है कि बच्चों को कोई चलने में बीच में दिक्कत हाँ, ना हो, मतलब काफी स्पेस है। हाँ, देखो कितना चौड़ा। बहुत बंदे पूछ रहे थे गाइस कि रचित हाँ, भाई मैं अपनी गाड़ी वगैरह हाँ, लेके आऊंगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी हाँ, तो गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देख रहे हो आप इतनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है, सारी खड़ी है, पजेरो बुलेरा पता ना कौन कौन सी गाड़ी है, अरे भाई कहीं कुश्ती खेल के आए हैं, मैंने की रिव्यू दे दो, कह रहे भाई ना कह रहे भाई बताएंगे। फाइनली बताऊँ तो भाई, हम तो बीटेक के, हमें इतनी जानकारी है नहीं, आप ही बता दो, हमारे सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देखेंगे। एमसीए में मतलब आप प्लेसमेंट वगैरह कैसा है? प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कंपनी कौन कौन सी आती है? कंपनी कैपजेमिनी, एसेंचर, अच्छा, और टेक महिंद्रा भी आई है। अच्छा, टेक महिंद्रा भी आई है। हाँ यार, नाम तो है, टेक महिंद्रा है, एसेंचर है, टीसीएस है, विप्रो है, और ऑक्टो है, मेनी कंपनी, सो मेनी कंपनी। अच्छा, आप कौन सी उसमें ब्रांच में? एमसीए में नहीं, मतलब उसमें ईयर में फाइनली। अच्छा, 22 पास आउट हो गए 20 से 22। अच्छा, तैयारी कैसे चल रही है आपकी? तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छा, समझ में आ रहे हैं सब सब्जेक्ट वगैरह, मतलब टीचर कैसे सपोर्टिव हैं? टीचर सपोर्टिव हैं। अच्छा, मतलब कभी भी कुछ सपोर्टिव नहीं होंगे भाई? कुछ नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट तो इसका भी खूब करा भाई। तो भाई हाँ, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, आपको हमारे 10,000 बंदे देखेंगे उधर से, चले गए भाई, देख रहे हैं और कोई बंदा मिल जाए, आज पकड़ पकड़ के सबका रिव्यू करेंगे, सबका एनकाउंटर करेंगे, सब जितने मिलेंगे ना पता लग जाएगी, मान लो दो बंदे रिव्यू अच्छे दे रहे हैं, दो बेकार, वैसे जीएल बजाज के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं भाई। ये भाई मिल गए हैं जीएल बजाज के, ठीक है, अब इनसे रिव्यू, आईटी ब्रांच में भाई रिव्यू लो, दो साल में रो दिए भाई, नया प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट के लिए तो आए हैं, मार के रखे हैं, एलएन राव सर है, एलएन राव सर है, एलएन राव, अरे हिंदी में बात करें तो एलएन राव सर होंगे, उनसे टच में रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो कोडिंग रिलेटेड पूछते रहना। हम पास आउट हैं, एनआईटी कॉलेज पीछे ही आपके, ठीक है, पीछे नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ पीछे, आप जेल वजह से मारोगे हमारी वीडियो, अंसल डलेगी क्या? ये डलेगी टॉप पे, जो ट्रेंडिंग पे चलेगी, ट्रेंडिंग पे आएगी भाई, ठीक है ना, मैसेज पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपकी छाती पहुंचेगा सीधा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा रिव्यू तो दे दो कॉलेज के बारे में, तो मतलब फर्स्ट ईयर में हो आप? सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर मतलब टीचर कैसे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं, सब चीज बताते नहीं बताते? पहला ईयर तो ऑनलाइन में बीता भाई, फिर तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर फिर तो अलग ही है सब चीज, अभी आए हैं तो लग रहा है कि सपोर्टिव। आईटी में हो ना सारे भाई? बड़े भाई कहाँ से भाई? गोरखपुर से। अरे गोरखपुर बहुत भाई आते हैं भाई, मेरा रूममेट भी गोरखपुर के था भाई। आपने डांस वांस नहीं करा पीछे? डांस चल रहा, अरे उनका था ना, फाइनल ईयर का था, एमबीए का था, ये एमसीए का था। अच्छा, एमसीए वाले डांस कर रहे हैं जो भी है फ्रेश, कोई ना, गाने की आवाज तो यहाँ तक आ रही है ना, चलो। अरे भी हम स्कॉलरशिप भी आए थे, इतना दौड़ा रहे हैं भाई, सुनो मैं खुद, हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम रहती है, मतलब हम खुद बता रहे हैं ना, स्कॉलरशिप एक बार आई है बस मेरी, ठीक है ना, यूपी का यू में, और मतलब कायदे में 4 बार आनी चाहिए थी ना, हमारा अधिकार है, पर ये मैं सोच रहा था हमारे कॉलेज में ये ऐसी रेड पीटते हैं, तो सब जगह पीट रहे हैं, ठीक है ना, क्या फॉर्म हम सबमिट नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है बताओ? अरे फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और इतना मतलब वो दौड़ा रहे हैं। तो भाई स्कॉलरशिप के बारे में बताओ, कैसे कैसे कितनी देर से दौड़ा रहे हैं, कितने किलोमीटर दौड़ लिए भाई? अभी एक भाई और मिला था, भागा भागा जा रहा था, रिव्यू नहीं दे पाए। तो आप जनरल में हो सारे? हाँ, तो हम भी जनरल में, ठीक है ना, कट पिट के फर्स्ट ईयर आया था, हमने फर्स्ट ईयर नहीं भरा था, तो सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में, तो हमारी भाई मतलब आप स्टेटस वगैरह चेक करते हो सारे स्कॉलरशिप का, जो कि सारा क्लियर हो गया, कहीं बीच में फॉर्म आपसे कहीं गलती हो जाती है, इसलिए नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो होता कि कॉलेज वाले वही नहीं करते, वहां पे अटैच नहीं करते फाइल। अच्छा, अटैच क्यों नहीं? ये नहीं गाइस, ये तो बहुत गलत चीज है, और अगर हमारे कॉलेज वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज पे नोटिस करें। हां, तो भाइयों इनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, बहुत देर से भगे डोल रहे, तो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने आधार कार्ड वगैरह बहुत सारे लगते हैं, प्रमाण पत्र सब चीज है ना आपके पास, तो कोई टेंशन मत लो आप, मतलब स्टेटस अपना ऑनलाइन चेक करते रहना, आ जाएगी स्कॉलरशिप, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई कह रहे हैं कि अटैच नहीं होती, तो ये तो गलत चीज है गाइस। हां, और बच्चों की नहीं होती, सिर्फ ऐसे नहीं, जनरल वालों की तो मैक्सिमम रोक ही देते हैं फर्स्ट ईयर वाले, ये और ये कॉलेज रोक देते हैं, तो ये तो गलत चीज है। हॉस्टल क्या है? स्कॉलरशिप पे सबका हक है, हॉस्टल तो नहीं है। हां, तो वही 50-56 हज़ार आती है, ठीक है, 52 हज़ार इसकी आई थी फर्स्ट ईयर में, 52 हज़ार इसकी भी आई थी। तो आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है? 1 करोड़ पे स्कॉलरशिप आई थी, 1 करोड़ स्कॉलरशिप आती, फिर एनआईटी में पढ़ते, एनआईटी में फिर दे रहे तू 2 करोड़। थैंक यू भाई, बहुत ही इतनी तगड़ी आ रही था, टेल वेल तो लगा ही सकते हैं। तो भाई इस वाले जोन में हम पहले नहीं आए थे, ये बेकूफ जोन है, अरे नहीं जी, जो समझ देख रहा होगा समझ गए ये, अरे हाँ यहाँ तो आए थे, याद आ चुके हैं यार। जय हो, जय हिंद, जय हिंद। गोकुलधाम सोसाइटी पुरानी हो गई, सोसाइटी जेल बाजार नंबर 1 कॉलेज। देखो भाई पूरा आंख फाड़ फाड़ के देख लो आप,
ठीक है ना, ऐसी वीडियो बना देंगे कि आप ये क्या हो गया, तो मैं आया था इस कॉलेज में वीडियो देख के आने वाले आप लोगों को, तो बताइए सचिन भाई। फाइनली बैक कैमरा पर आ चुका हूँ और आपको पूरा दिखाऊंगा, मतलब एक तरह से ये समझ लो कैमरामैन बना दिया, ठीक है कैमरामैन में बन गया भाई। चलो आपको करना हो तो देख लेना, आपका मन है। ये देख सकते हो नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये नंबर वन कह रहा था, हम मानेंगे बात, बिल्कुल मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर वन है ये भाई प्लेसमेंट के मामले में तो है, ऐसा कुछ नहीं, हमें ना घुस दे रखी है, एक्चुअली नंबर वन है, ठीक है ना, बीटेक में पूरे ग्रेटर नोएडा में, नोएडा तक भी इसकी पहुंच है, वहां तक भी इसकी किरणें जाती हैं, रेज जाती। ये आप देख सकते हो स्टेज है, होली दिवाली यहीं डांस चलेगा आपका। ये भाई आप देख सकते हो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना रखा है, देख सकते हो आप, दिखाओ भाई सचित भाई। यहाँ पे भाई गाने की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तो भाई ये स्टेज है, आपकी कुर्सी वगैरह लग रही है, नहीं तो डांस वांस यही होता है, जो भी आपका थोड़ा छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं रो में, देख सकते हो आप, सीढ़ी दिखा दो, ये देखो भाई यहाँ बैठो लेटो सो नाचो। यहाँ पे जो बंदे हॉस्टल में रहते हैं वो कभी कभी यहाँ भी आ जाते हैं अपनी चद्दर लेके सोने, ठीक है, और डे स्कॉलर्स तो अपने घर पे ही सोते हैं, अगर वहाँ से लात मार के भगा दी तो सही सो जाते हैं, ठीक है। और हम ऐसा तीन चार बंदे भी पकड़े, अभी हम रिव्यू छोड़ेंगे नहीं, कम से कम चार पांच रिव्यू लेके जाएंगे, आज तो धुआंधार रिव्यू लेंगे गाइस, तो यहाँ पे आज टाइम भी है भाई दोनों के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा हेलमेट पड़ा देख लो कैसी अवस्था में पड़ा है, ठीक है ना, ऐसे आप ना पढ़े, हमने गलती कर दी है तो इसलिए हम बता रहे हैं, आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना, ये हमारी आंखों का तारा है, ये बस वहाँ नहीं छोड़ेगी, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के वहाँ तक एयरपोर्ट तक छोड़ देगी, ठीक है ठीक। भाई उसमें कौन सी ब्रांच में आप? बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए फर्स्ट ईयर, कैसा भाई कैसा गया, कुछ रिव्यू दोगे थोड़े बहुत बताओगे? सही है, अभी डिसिप्लिन बहुत है। डिसिप्लिन बहुत है, अच्छी चीज़ है या बैड बुरी चीज़ है? बहुत अच्छी चीज़ है, सही है, इन टर्म्स ऑफ यार सबको अपने अपने हिसाब है, हमारे ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं है और बिल्कुल अनडिसिप्लिन भी अच्छा है, डिसिप्लिन ठीक है, बढ़िया ना, बाद में पता चलता है, बाद में जब प्लेसमेंट लोगो भाई बहुत अच्छा था कॉलेज, जेल वाइज को पता ही आपको, डांस मत करा तो कैट दे भाई, डांस मत करा, अरे भाई कर ले यार, मन तो कर रहा होगा यार करने का, कैमरे के सामने कर, ये तो यहीं पे लौट गए अभी, कह रहा नहीं ऐसे लेट के करूंगा मैं, तो सब्सक्राइब दो भाई, कह रहे हैं सपोर्ट कर देना, घर पे करा लेना, अपने भाई बंधु सबसे करा लेना, कोई बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है भाई ओके। आपको बस दिखाई थी, बस की सुविधा बहुत ही बढ़िया सुविधा है, ठीक है, पर इसके यार पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, वो तो लगेंगे, फ्री में आपको कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, टेम्पो वाला भी नहीं छोड़ेगा, एक किलोमीटर ले आना एक बोतल में, हाँ और भरते रहना, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं घर जाने के लिए तैयार हैं, अपने सॉन्ग सुनने, पानी पानी है? अरे अब भाई लाइव रिएक्शन भाई बोलो, लाइव रिएक्शन भाई, आप लोग की वीडियोस में देखता हूँ, हाँ भाई भाई देखा तो मेरे को जाना यार, मैं कहीं देखा हूँ, अच्छा अच्छा, हमने भी आपको देख लिया, थैंक यू भाई। और कैसी चली पढ़ाई, कौन से बीसीए में हो, किस में हो? बीसीए फर्स्ट ईयर, कैसा भाई बताओ रिव्यू अभी तो, बढ़िया तो डिसिप्लिन वगैरह क्या, टीचर वगैरह सपोर्टिव है, सपोर्टिव और प्लेसमेंट वगैरह का भाई स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रहेंगे यार, प्लेस ये फाइनल ईयर में जब आओगे ना थर्ड ईयर में तब पता लगेगा, जब प्लेसमेंट वगैरह अभी तो टीचर्स अभी फ्रेंडली बने ना, बन जाते हैं धीरे धीरे, हां तेज बोलो थोड़ी, आपने वीडियो देखी कैसी लगी हमारी पहली, बहुत प्यारी भाई, बहुत बहुत बढ़िया प्यारी, और बनाते रहेंगे भाई, टेंशन नया नया क्रेज रहता है इनका, ठीक है, ये देखो ये बाहर की पार्किंग है, पिछली बार भी दिखाई थी, अब क्लियर दिखा रहा हूँ एकदम, ये देखो ये जीएल बजाज का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, और भाई आज काफ़ी हरियाली लग रही है यार मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले भीड़ थी पर इतना मज़ा नहीं आया था, आज भीड़ नहीं है और मज़ा ज़्यादा आ रहा है, ये देखो फोटोग्राफी अपनी कुछ यादें इकट्ठा करते हुए, सूरज देखो कितना तगड़ा है, वो शारदा का कैंपस है, वो हमने कवर कर लिया था, बाद में बनाएंगे आप जब फ्री होंगे, आ जाओ अब ट्रेनमेट करने वाले गाइस, और बाहर मिलते हैं आपको, सब जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, अब अकेले बैठ के क्या करेंगे हम कॉलेज, और क्या भाई, अब डांस वांस ही बंद हो गया भाई, मज़ा आ रहा था, अब खाना पीना होगा भाई, अब तो भाई आपको 50-60 रोटी, सिक्योरिटी देखो भाई पूरी अच्छी सिक्योरिटी है, हमारे सर यहाँ एंट्री हो जाती है, जैसे कोई एंट्री के लिए आया, किस काम के लिए आया, मतलब सब चीज़, कोई विजिटर वगैरह तो यहाँ से टाइम वगैरह सब नोट हो जाता है, ये अपना बैरिकेडिंग, यहाँ पूरे ग्रेटर नोएडा की फेमस दुकान पर आए मोमोज खाने, ठीक है, अब क्रीम वगैरह ढंग से डाल देना, पनीर मोमोज लिए हैं, घपा घप पी लें, अरे आराम से खा ले भाई, कोई जल्दी ना, गर्म में तो ठंडी कर खाऊंगा, गर्म मुंह जल के देखो, ये देखो हंस रहा है भाई, और कोई हमने गाली वगैरह नहीं दी है, और अच्छे से हमने प्रोफेशनल जो हमें गाली तो दे, तू गाली भी देगा तेरी गुद्दी पे ऐसा चौंटूंगा, ठीक है भाई, भाई फैमिली व्लॉग है, सब कोई देख आराम से देख सकते हो, फैमिली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, हर तरह के फ्रेंडली व्लॉग, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।